So hi guys, Kalk Academy. You can call us at 8262-9835. We are providing the best education in various fields. Okay, today we are going to discuss the BODMAS. And BODMAS is B for bracket, O for order, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction. Now the question arises कि हम ये क्यों करते हैं. तो ये हम इसलिए करते हैं बिकॉज कभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं हमारे पास में तो हम ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो जनरली गलतियाँ कर देते हैं. वो गलतियाँ कैसी होती हैं कि वो सिक्स को तो सिक्स रह देते हैं और इस डिवाइड को यहाँ पे डिवाइड देते हैं 2/3 देते हैं. उनको लगता है कि डिवाइड का मतलब है कि ये वाली पूरी चीज़ जो है वो नीचे आएगी, मगर ये चीज़ बिल्कुल पूरे गलत है. इसका मतलब उनके हिसाब से 6/2 × 3 यानी 6/2 × 3 = 6 आएगा, यानी 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कट के 1 आ जाएगा. बट दिस इज नॉट ट्रू. जो आंसर सही वाला होगा वो ये वाला होगा, जैसे मतलब कि 6 है 6, फिर आएगा हमारे पास में डिवाइड और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 × 3 = 6 वाली फॉर्म. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 1+2 हमारे पास में 3 आ जाएगा और 2 × 3 = 6 वाली फॉर्म हमारे पास में नॉर्मली होती है. तो ये वाला हमारे पास में ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद में आ जाएगा 6/6 = 1. अब हम एक बड़ा सा क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं. हम इसको ऐसे एक एक स्टेप में सीख लेंगे. देखिए गाइस क्या है, 36 है हमारे पास में -2 एंड दिस वन पूरे हमारे पास में क्वेश्चन है. आपको सबसे पहले क्या करना है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल इस पूरे के अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट दिखता है विच इज़ ये वाला. तो हम पहले इसको ब्रैक करना चाहेंगे तो इसके लिए हमें करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा. तो इसके अंदर की साइड में हमारे पास में इनमें से क्या चीज़ दिख रही है, सबसे पहले डिवाइड दिख रही है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को ब्रैक करेंगे. तो यहाँ पे हमने कहते हैं 12/4 और बाकी इसको भी ऐसे ही सबको ऐसे ही लिख दिया जाएगा. 12/4 × 4 = 3/12, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. बाकी हम अभी अंदर ही अंदर चल रहे हैं तो इसमें एज इट इज़ उतर जाएंगी सारी चीज़ें. 36 − 2 = 20 + 3 = 3. अब यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा, मल्टीप्लाई से ये वाला है और ये वाला है. तो 20 + 9 − 4 = 2 + 4 = 3 = 9. तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आता है, पहले हमने डिवाइड किया था और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पर से हम देख रहे हैं 36 − 2, ये वाली चीज़ में हमने क्या करा, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो एक आ रहा है हमारे पास प्लस, एक आ रहा है हमारे पास माइनस. प्लस माइनस में से हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे. तो फिर हमें पहले ये वाला करना पड़ेगा विच इज़ इक्वल टू ये और देन 20 − 4 = 25 और 2 को 2 रहेंगे ये वाले से ऐसे ही आ रही थी. इसको आपस मल्टीप्लाई करिए आया 36 − 2 = 25 था वाली चीज़ हमारे पास -14 और 25 अवर आंसर. ओके,